Hey everyone, welcome back to asthasscienceclub. So guys, in this video we are going to study about the nucleic acids. हम लोग इस वीडियो में न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वो किससे बने होते हैं एंड उसके पार्ट्स किससे बने होते हैं, लाइक कंप्लीट फ्लो चार्ट हम इस पूरे वीडियो में कवर अप करेंगे. सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. सो गाइज, न्यूक्लिक एसिड, तो आपको क्या पता है कि न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स कौन है या न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या है? सो गाइस, एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड का एक एक मॉलिक्यूल ना बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स यूनिट से मिलकर के बना होता है. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एक टाइप का पॉलीमर है एंड इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स होते हैं एंड उन मोनोमर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. क्लियर? सो न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स. आगे जाने से पहले अब हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे. उस फ्लो चार्ट में हम क्या देखने वाले हैं कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर कौन है एंड वो मोनोमर यूनिट किन किन पार्ट्स से मिलकर के बनी हुई है. ये सारी चीज़ें, सारी चीज़ों के नेम देख लेते हैं, कौन सी चीज़ किस चीज़ से कैसे रिलेट करती है ये चीज़ देख लेते हैं, फिर सारे पॉइंट्स के बारे में एक एक करके हम लोग बात कर लेंगे. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के फ्लो चार्ट के बारे में. सो गाइस, न्यूक्लिक एसिड का जो एक मोनोमर यूनिट है वो कौन सी है? हमारी न्यूक्लियोटाइड्स. देन वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो दो पार्ट्स से मिलकर के बनी होती है. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे? न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड. ठीक, न्यूक्लियोसाइड्स भी दो पार्ट्स से मिलकर के बना होता है. कौन कौन? शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस. शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस. शुगर कितने टाइप्स की होंगी? दो टाइप की होंगी. कौन कौन सी? हमारी राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. देन उसके बाद जो हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे. कौन कौन सी? प्यूरीन बेस एंड पिरिमिडीन बेस. प्यूरीन बेस एंड पिरिमिडीन बेस. प्यूरीन बेस में आएंगे हमारे एडेनिन एंड ग्वानिन एंड बाकी के जो पिरिमिडीन बेस है उसमें कौन कौन आएंगे? थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी. तो बच्चे, इस तरीके से हमने अपना पूरा फ्लो चार्ट पढ़ लिया. अब हम लोग इन सारे फ्लो चार्ट के जो जो टॉपिक्स हैं ना उनको एक एक करके कवर करेंगे कि शुगर कौन कौन सी होती हैं, कौन सी शुगर कहाँ पाई जाती है, देन बेसिस के बारे में जो भी चीज़ें हम लोग उन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शुगर के बारे में. सो गाइज, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें जो शुगर होती है वो पेंटोज फॉर्म में होती है. पेंटोज फॉर्म में क्या मतलब? कि उस शुगर में पांच कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं. जैसे छह कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो उसे हम हेक्सोज बोलेंगे, या तीन प्रेजेंट होंगे उसे ट्रायोज बोलेंगे. ठीक है, उसी तरीके से जो शुगर प्रेजेंट होगी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स में वो पेंटोज होती है, पांच कार्बन की शुगर होती है. अब यहाँ पे मेनली दो टाइप की शुगर होती है. कौन कौन सी? राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर. कौन कौन सी शुगर्स? राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. अब आरएनए में जो शुगर पाई जाती है वो होती है राइबोज शुगर, यानी कि राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट होती है एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है. ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया होगा कि जो शुगर होती है वो पेंटोज फॉर्म में होती है, यानी कि फाइव कार्बन की होती है. शुगर मेनली दो टाइप्स की प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. राइबोज आरएनए में होती हैं एंड डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है. ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, दोनों चीज़ हम इसको बोल सकते हैं. इसको डिनोट करते हैं हम लोग किसे? पी से, कैपिटल पी. एंड ऊपर हम भूल गए थे ये बताना कि जो शुगर होता है उसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. तो जो फॉस्फोरिक एसिड होता है एक्चुअली में यही वो एसिड होता है जो न्यूक्लिक एसिड को एसिडिक नेचर का बनाता है. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एसिड क्यों है या उसका नेचर एसिडिक क्यों है? एसिडिक यानी कि उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऐसा इसलिए होता है. अब बारी आती है नाइट्रोजनस बेसिस की. सो गाइस, नाइट्रोजनस बेस दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. किन किन पार्ट्स में? प्यूरीन एंड पिरिमिडीन. प्यूरीन में आएंगे हमारे एडेनिन एंड ग्वानिन. एडेनिन को हम डिनोट करते हैं ए से, ग्वानिन को डिनोट करते हैं हम लोग जी से. ठीक है, एंड पिरिमिडीन, पिरिमिडीन में कौन कौन से आएंगे? थायमिन टी, साइटोसिन सी, यूरेसिल यू. अब इनमें से कुछ जो होते हैं, कुछ जो बेसिस होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं एंड एक्चुअली, और जो कुछ होते हैं वो आरएनए में पाए जाते हैं. एक्चुअली एक ही जो बेस होता है उसका ही हेयर फेयर होता है. ये हम लोग तब जानेंगे जब हम लोग डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग डीएनए के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस मेनली दो टाइप्स के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन. प्यूरीन में दो पार्ट्स आएंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन, ए और जी, ए जी. ठीक है, एंड जो हमारा पिरिमिडीन होगा उसमें कौन कौन आएंगे?
बनाएंगे थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिल. थायमिन यानी कि टी, यूरेसिल यानी कि यू एंड साइटोसिल यानी कि सी. आई होप ये भी आपको समझ में आ गया. अब ना हम लोग न्यूक्लियोटाइड के टाइप्स देख लेते हैं. सो नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना वो पांच टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं? पांच टाइप के. पहली चीज़ तो हमें ये देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे किससे मिलकर के बने होते हैं. हमने ऊपर देखा जो शुगर्स और फॉस्फोरिक एसिड, इन दोनों से मिलकर के बने होते हैं. ठीक है, तो नाइट्रोजनस जो भी नाइट्रोजनस बेस है हमारे, वो सारे नाइट्रोजनस बेस एंड साथ में उनमें हम क्या लगा देंगे, फॉस्फेट और शुगर लगा देंगे, तो वो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे. तो अगर एक सिंपल सी लाइन में बोला जाए तो सिर्फ इतनी सी बात है, नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से किस तरीके से अलग है कि न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट और शुगर प्रेजेंट होते हैं और जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वहाँ पे फॉस्फेट और शुगर एब्सेंट होते हैं. ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड्स कितने टाइप के हुए? पांच टाइप के. किस बेसिस पे? नाइट्रोजनस बेसिस के बेसिस पे, नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पे. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो देख लेते हैं पहला कौन सा है. एडिनिन न्यूक्लियोटाइड. पहला कौन सा है? एडिनिन न्यूक्लियोटाइड. एडिनिन न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या है? ए, पहले हम लोग फॉस्फोरस लगाएंगे तो पी, फिर एस एंड देन ए, पी एस ए. फिर क्या है हमारा? ग्वानिन. ठीक है, ग्वानिन में क्या होगा? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? पी एस जी. फिर है हमारा साइटोसिन, इसमें क्या होगा? पी एस सी. फिर क्या है हमारा? यूरेसिल, इसमें क्या होगा? पी एस यू. फिर क्या है? थायमिन, पी एस टी. यानी कि वही सारे बेसिस है, बस सारे बेसिस में हम लोग ने फॉस्फेट और शुगर इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया तो वो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन गया. ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही होगी. आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर देम. ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा. सो अभी हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा नाइट्रोजनस बेसिस के बेसिस पर. ठीक है, यानी कि नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पर पढ़ा. अब हम लोग पढ़ेंगे शुगर के बेसिस पर. तो शुगर के बेसिस पर न्यूक्लियोटाइड्स हमारे सिर्फ दो टाइप के होते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड. राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि दो ही बेसिस थे हमारे, सॉरी दो ही शुगर्स थी हमारी, तो उन्हीं के बेसिस पर हमारे दो ही हमारे न्यूक्लियोटाइड्स भी बन गए. ठीक है, आई होप आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी. तो बच्चों इसी के साथ साथ हमारा पूरा वीडियो ये ख़त्म होता है. हम लोग ने पूरा न्यूक्लिक एसिड कवर कर लिया कि न्यूक्लिक एसिड किन किन चीज़ों से मिल करके बना हुआ है. ठीक है, एंड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.